अच्छा और खिलाड़ी कौन है? आप देख सकते हैं काफी सुंदर है। हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम एंड स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जगह अभी हम हैं काजा में, काफी दिन बाद ये ब्लॉग बना रहा हूँ यार मैं। आज हम जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, बहुत दिन से साइकिल नहीं चलाई थी हमने, रेस्ट मोड ऑन हो गया था, तो अब जा रहे हैं, आज जा रहे हैं हम की मोनेस्ट्री, तो आपको की मोनेस्ट्री घुमाएंगे, की विलेज दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली यार हम की गांव में पहुंच चुके हैं और ये रहे की के खेत जहाँ पे आलू मटर की खेती हो रखी थी, पहले कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे घास उग रही है। तो दुलारी को हमने किया है खड़ा वहाँ पे, काफ़ी टाइम बाद एक नया ब्लॉग आ रहा होगा, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं। दुलारी को हमने यहाँ पे खड़ा किया हुआ है और ये जा रही है यहाँ से सीढ़ियाँ, आगे से रास्ता पे जाता है, बट आज जा रहे हैं हम सीढ़ियों से। तो यार लगभग 280 से 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, वो सामने जो आपको दिख रही है वो है की मोनेस्ट्री। ये पैदल रास्ता जाता हुआ इसका और वहाँ पे गोम्पा बने हुए, उधर भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, दो आई गेस, पता नहीं तीन है, जाके देखते हैं, दो लग रही है मुझे दूर से, गलत भी हो सकता हूँ मैं। और यहाँ से नीचे के नज़ारे देखो यार, मेरे को तो एक खेत का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना नीचे से, बहुत ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है। देखो उधर अभी नहीं उगे हैं यहाँ पे, लेकिन सैपलिंग आ गए हैं हल्के, अभी ग्रीन ग्रीन इंसान लग गए हैं, और उधर वो हेलीपैड है। चलते हैं आगे। तो यार सारा कच्चा रास्ता क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं वो मूर्तियाँ दिखा रहा था, और यहाँ दो नहीं तीन मूर्तियाँ बुद्ध जी की, और तीसरी आगे देखिए ये रही, और यहाँ से दिखती है की मोनेस्ट्री जो कि वो रही यहाँ से सामने, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है। तो यार पीछे वाले गोम्पा को छोड़ते हुए आगे कच्चे रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं की मोनेस्ट्री की तरफ। नीचे से लगभग 15 मिनट का हाइक है साइकिल पे, जहाँ पे हमने साइकिल अपनी दुलारी खड़ी करी है वहाँ से की मोनेस्ट्री का रास्ता लगभग 3 किलोमीटर रह जाता है, तो उस पर भी ऑलमोस्ट हमको कितना आधा घंटा लग जाता है आने में, तो ये थोड़ा फास्ट रहा अपने को, बट जाएंगे हम रोड वाले रास्ते से, इससे लिफ्ट लेके नीचे तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि सेम रास्ता जाने में मज़ा नहीं आता कई बारी, इतने दिन हो चुके हैं हमें काजा में। क्या खेल रहे हो आप? पिट्टूग्राम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपवंत है। अच्छा सबसे अच्छा कौन सा खेलता है तुम में से? अच्छा ये अनारियों का खेल, मैं अनारी हूं। अच्छा और खिलाड़ी कौन है आप? वो खिलाड़ी क्या नाम है आपका? अर्गे। और वहाँ पे नीचे बच्चे खेल रहे हैं वॉलीबॉल, इधर यहाँ पे सारी पार्किंग है नीचे, और पार्किंग नीचे है यहाँ पे अलाउड नहीं यार, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे बिलो मेंशन व्हीकल्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम दिस पॉइंट, बस टेम्पो बस ट्रैक्टर ये सारी चीज़ें हैं। अभी एक मॉन्क थे उनका बैग देना हमें, आगे एक शॉप है यहाँ पे सोविनियर शॉप है, उधर देना ये बैग। बाकी चलते हैं आगे की मोनेस्ट्री में, दिखाते हैं आपको। और ये स्पीति वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है जो कि गिलुपा स्कूल हैंडल कर रहा है एक तरीके से। ये 4100 मीटर 4100 मीटर की हाइट पे बनी हुई है, तो काफ़ी हाइट भी आ रही इसकी। और चलते हैं बाकी अंदर, आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। आ गया यार मोनेस्ट्री के गेट पे, ये यहाँ पे मोनेस्ट्री का गेट, और यहाँ पे 3 फ्लोर्स बने हुए हैं मोनेस्ट्री के अंदर। भैया ने बैग दिया। हाँ ये यहाँ पे सोविनियर शॉप है, कुछ लेना है तो ले सकते हैं, ये लो वेलकम। यहाँ पे ऑलमोस्ट सर अभी कितने मॉन्क्स रहते हैं? 350 के आसपास, 180 रह रहे हैं अभी, 90 के आसपास। ओके तो ऐसा पीछे बोर्ड पे यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था, बोर्ड था नीचे उधर लिखा हुआ है एट लास्ट यहाँ पे 350 के आसपास मॉन्क्स रहते हैं, बट करेंटली अभी 180-190 के आसपास हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है इस पर काफ़ी हमले हुए यार,
बट जो इससे पहले मोनेस्ट्री थी रांगरिक की साइड बनी थी, जो रांगरिक मैंने बहुत पहले ब्लॉग्स में दिखाया हुआ। और उसके बाद 1975 में जब अर्थक्वेक हुआ था उससे पहले यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी। मंगोल्स के काफ़ी अटैक हुए थे इस मोनेस्ट्री में, उसके बाद इसको रिनोवेट किया गया और ये अब 3 फ्लोर की बनाई गई है। किस फ्लोर पर क्या क्या है ये मैं आपको अब अगर अलाउड हुआ तो मैं दिखा पाऊँगा, और अगर नहीं अलाउड हुआ सॉरी। और जैसे हम मिनिस्ट्री में एंटर भी करते हो तो यार ये है सारी मिनिस्ट्री, अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। ये ऊपर टेंपल है, यहाँ तक हम जा सकते हैं। आगे हो रहा देख लीजिए, ये अंदर यहाँ पे टेंपल की पेंटिंग्स के अलावा ये मोनेस्ट्री है, उधर दूसरा टेंपल है मानी लखांग के नाम से है, और ये ऑफिस है यहाँ पे की मोनेस्ट्री का। बाकी चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ क्या क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं आया हूँ यहाँ मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री की किचन में, यहाँ पे पेंटिंग्स भी बनाई हुई हैं। अंदर मंदिर है वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये सारी यहाँ पर किचन है, तो जो हर्बल टी है वो ट्राई करते हैं, वो पी के देखता हूँ मैं। तो ये है वो लोकल टी, और ये बनी होती है लोकल हर्ब्स जो यहाँ पे मिलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ मोर वैल्यू देन मनी, यू कैन गेट मनी बट यू कैन नॉट गेट योर टाइम। और यहाँ पे 2000 का भी नोट अभी शामिल होने वाला है। तो यार ये फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर टेम्पल है, और इसके बाद टोटल 3 फ्लोर्स हैं। सेकेंड फ्लोर पे मेरी किचन है, थर्ड फ्लोर पे आपके पास स्कल्पचर मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो आप मेडिटेशन रूम है वो आपका फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है की गांव का। तो की मोनेस्ट्री के बारे में लिखा है यार, वो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें लिखा गया है कि कितनी बार इस पर हमला हुआ था, अर्थक्वेक के बाद इसको किसने ठीक करवाया, और इसके पीछे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि दिस मोनेस्ट्री लुक्स लाइक अ फोर्ट विद टेंपल्स बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। तो आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। तो ये सब था यार, तो चलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं वापस काजा।
रास्ते छीचम की बस, और ये जाती है भाई 5:30 बजे निकलती है, ये 5 बजे निकलती है माजा से और छीचम पहुँचा देती है लगभग 1 घंटे में पहुँचा देगी। तो यार फाइनली हम रूम पे आ गए हैं वापस और आज हमने की मोनेस्ट्री देखी। तो आई होप ये वीडियो आपको आज को बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक करके जाना, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर एंड जय हिंद।